पठान मूवी के बाद जो गाने में हुआ, बोर्ड अपना काम कर शाहरुख खान को पाकिस्तान जाने की नसीहत थी, हिंदू संगठन ने पाकिस्तान जाने की नसीहत थी। शाहरुख खान के प्रति अगर इतनी नफरत है तो उसके लिए शाहरुख खान जिम्मेवार है। और वो इसलिए जिम्मेवार है कि शाहरुख ने, सैफ ने और आमिर ने एक बार कहा कि हमें भारत में डर लगता है, लेकिन जब लोगों के गले काटे गए नूपुर शर्मा के बाद, तब उन्होंने एक बार नहीं कहा कि हमें डर लगता है। यानी कि उस समय ये चूक गए ये लोग, और इसका परिणाम है कि लोगों को लगता है कि ये कट्टरपंथियों के साथ देते हैं और कट्टरपंथी की गतिविधियों के समय पर उसका विरोध नहीं करते। इसके कारण लोगों का विश्वास और लोगों की श्रद्धा खो चुके हैं। अब रही गाने की बात, तो अगर वो, मुझे नहीं पता थिएटर में रिलीज होने वाली है फिल्म, हाँ तो सेंसर बोर्ड के हाथ में है, वो काट दे उसको गाने को। तो पाकिस्तान जाने की नसीहत दी हिंदू संगठन ने शाहरुख खान को, अब मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि ये जिनने दी है ये उनने कुछ सोच करके बोला होगा। मैं इस विषय पर कुछ नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि पाकिस्तान में भी मुसलमान सिर्फ 2.5% गए थे। भारत के जो रेखांकित पाकिस्तान के अंतर्गत जो मुसलमान थे उनको छोड़ के शेष भारत के सिर्फ 2.5% मुसलमान थे जो पाकिस्तान गए थे, बाकी नहीं गए थे। क्योंकि उनका कहना था कि हमें वहाँ मुसलमानों के बगल में डर लगेगा, लेकिन यहाँ हिंदू पड़ोसी के साथ हमको डर नहीं लगेगा। इसलिए तो जाने वाले को तय करना होगा कि वो सुरक्षित ज़्यादा कहाँ रहेगा। बोलने की और जीने की जो आज़ादी यहाँ है, क्या वो पाकिस्तान में है? ये जो हीरो है इसका, पठान का नहीं, मुझे इसका नाम लेना अच्छा नहीं लगता। तो ये जो हीरो को मैं अपने आप को कम हीरो नहीं समझती ना, तो ये जो हीरो है ये अमेरिका में तो इसको पूरे कपड़े उतार के चेक किया जाता है। ये आज़ादी जितनी यहाँ मिली हुई है उतनी तो, मतलब यहाँ तो हिंदुओं को डराया जाता है, उल्टा धमकाया जाता है कि तुम ठीक से एडजस्ट करके चलो, इससे ज़्यादा सुरक्षा और कहाँ।